हेलो जी, वेलकम बैक विद माय चैनल जिसका नाम है तिशम व्लॉग्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था, बहुत ही जल्द मैं फिर वापस आई हूँ आप सबके लिए कि आपको बताने की अब आगे की प्लानिंग क्या है, मैंने क्या सोच रखा है कि मैं अपने व्लॉग्स में क्या क्या करूँगी। मैंने सोचा तो वैसे बहुत कुछ है, चलो कुछ थोड़ी सी बातें, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक आपको जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं सिर्फ जैसे एक थीम को लेके नहीं चलने वाली। अगर मुझे कोई सिंगर्स या कुछ चुनिंदा सितारों की इंटरव्यूज़ करनी पड़ी तो मैं वो भी व्लॉग के लिए करूँगी। इनफैक्ट मैंने ऐसा प्लान भी कर रखा है, तो मैं बहुत सारी मतलब इंटरव्यूज़ लेने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसा आपको सितारों से मिलाऊंगी, कुछ और ज़रूरी नहीं सितारे, कुछ चुनिंदा अगर कोई स्टार्स हैं, जैसे हर किसी से मैं मिल के इंटरव्यूज़ करूँगी, आप सब उनको देखोगे और करीब से जानोगे, उनमें से कई आपके फेवरेट होंगे और कई आपके फेवरेट हो जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि और आप सबको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। और हाँ, वो दूसरे व्लॉग्स भी मैं ज़रूर करूँगी, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स, रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ऑल राउंडर ट्रैक ना, ये सब ऑल राउंडर ट्रैक पे ही जाने वाला है, मतलब सब कुछ मिक्स। और देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। इसके साथ साथ हम लोग आप भी कुछ आइडियाज़ मुझे देना, मैं उन पे भी काम करूँगी ज़रूर। और होम टूर ये सब तो सब करते हैं, मैं भी कुछ ये भी करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगी, पर मैं हाँ कुछ अलग ज़रूर लेके आऊँगी आप सबके लिए बहुत जल्द। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब बहुत ये सब एक प्रोफेशन के लिए अभी तक तो नहीं कर रही, अभी तक तो बस मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली को बढ़ाना, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। और क्योंकि मुझे मेरी फैमिली भी है और मुझे फैमिली को भी टाइम देना, हो सकता है आप लोग मिलके मुझे मेरा ये प्रोफेशन ज़रूर बना दें। अगर मुझे इतना प्यार मिला तो ज़रूर हो सकता है कि पता नहीं ना कल क्या हो, किसने जाना। तो आप बताइएगा मुझे, अपने विचार भी मेरे साथ करिएगा शेयर ज़रूर कि आप क्या देखना चाहेंगे। तो मैंने कल भी ऐसे बोला था कि रंग बिरंगी दुनिया में हम एक चीज़ को लेके नहीं जी सकते, अगर एक पहलू को साथ लेके चलेंगे तो बाकी पहलू तो पीछे छूट जाएंगे। तो अभी भी मैं वैसे ही बैठी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना फ्री टाइम है तो मैं कुछ प्लान्स भी डिस्कस कर लूँ अपनी नई फैमिली के साथ। वैसे मुझे पिछले जो मेरा व्लॉग था फर्स्ट, उसमें मुझे बहुत प्यार मिला, मैंने तो एक लाइक मांगा था, लेकिन वो एक से अनेक ही हो गए हैं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे प्यार तो बहुत सारा करने वाले हो। तो जैसे मैं बात कर रही थी इंटरव्यूज़ की, तो वो मेरा एक मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो मेरी प्लानिंग में है वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि वो एक सिंपल जनरल बोरिंग इंटरव्यू नहीं होने वाली, चाय की चुस्की के साथ या कॉफ़ी की चुस्की के साथ कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाला है। और आओ देखते हैं कैसे चलता है। और कुछ नया अगर आप सुनना चाहते हो या कुछ अपने विचार बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि अगर आप सब में से किसी को लगता है कि आप मेरे साथ इंटरव्यूज़ कर सकते हो तो प्लीज़, जैसे मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, तो उस पर मुझे मैसेज करके या जो भी आपको अच्छा लगे जैसे मुझे इन्फॉर्म करके, तो आप हम कर सकते हैं साथ मिलके, तो हो सकता है कि ये कुछ और इंटरेस्टिंग बन जाए। तो देखते हैं कि आप लोग को आगे क्या होता है, इन शॉर्ट तो यही कहूँगी, देखते हैं आगे क्या होता है कि ये चीज़ कैसे आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। अभी तो जब तक नहीं आ रहा है ना, तो तब तक तो हर चीज़ डाउट में ही चलेगी कि हाँ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। जैसे मैंने कल कहा था, थोड़ी कन्फ्यूज़न तो होती है किसी भी चीज़ करने के लिए, कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा, आपको पता ही है जब आप शुरू शुरू में कुछ भी करते हैं, पर ये मेरा शौक है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सच्ची मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करके। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ करूँगी, पर पता नहीं ज़िंदगी कब किसी को कहाँ ले जाती है। नहीं है, पर ऐसे लगता है, मन करता है कि आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस कर ही जाऊँ कर ही जाऊँ, मतलब मज़ा आ रहा है ये सब करके। पर अब लेट भी बहुत हो गया, जैसे मैंने आपको बताया मेरी फैमिली भी है और ये मेरा चाय भी ठंडी हो गई है, अब दोबारा मुझे गर्म करनी पड़ेगी। तो चलो अब मुझे ये एडिटिंग भी करनी है, ये सब जो शुरू किया है इसे ख़त्म भी तो करना है, ये सब करके फिर मैं देखती हूँ सुबह तक अपलोड कर पाती हूँ, तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वाइब अच्छी लग रही हो, अगर मैं पॉजिटिव वाइब्स दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, गुड नाइट।